आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 15 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड की एक्सरसाइज 15B और एक्सरसाइज 15B का क्वेश्चन नंबर 26 से आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर फ्लो आउट ऑफ अ पाइप हैविंग एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इन 1 मिनट इफ द स्पीड ऑफ द वाटर इज द पाइप इज 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमारे पास पाइप है, ठीक है, और उस पाइप के अंदर पानी बह रहा है। पानी बहने की जो स्पीड है ना वो है 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमारी स्पीड है। इस स्पीड से यहाँ पर पानी बह रहा है, क्लियर है। अब क्वेश्चन ने ये पूछा है कि अगर इस स्पीड से पानी बह रहा है तो 1 मिनट में कितना पानी बह जाएगा, हमें ये बताना है क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि 1 मिनट में कितना पानी बहेगा, मतलब फ्लो होगा अगर 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो फ्लो हो रहा है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है इसको समझना जरूरी है। तो देखो थोड़ा लॉजिकली समझना इसे, ये हमने ले लिया, इसको मान लिया ये हमारा पाइप है, ठीक है, पानी का पाइप है, इसके अंदर पानी बह रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन ने कह दिया कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, जो एरिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो होगा हमारा ये जो पार्ट होगा ना, ये होता है हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया। अब कहोगे भैया कि जो हमारा पाइप होता है उस पाइप में बेस तो होता नहीं, तो आप बेस दिखा लो। नहीं, हम बेस नहीं बता रहे, हम बता रहे हैं कि इसका जो ये पार्ट होता है, ये जो एरिया दिख रहा है, ये देखो हमारा पाइप है। अब देखो इस पाइप में ये एरिया है, तो हमारा जो ये एरिया है ना, ये हमारा एरिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अगर हमने एक पतला सा गोल हमने सिलेंड्रिकल शेप में ले लिया, ठीक है, एक शेप पतला से ले लिया, जो हमारी कैसेट आती है सीडी, वो होती ना, अब उस सीडी को हम एक के ऊपर एक खूब सारी रखते चले गए, ठीक है, रखते चले गए यहाँ पर ऐसे ऐसे ऐसे, ये हमने खूब सारी सीडियाँ रख दी, ठीक है। अब इन सब का शेप देखो कैसा बन रहा है, ये देखो ये कैसा बना, ये बन रहा है हमारा सिलेंड्रिकल शेप में। किस शेप में बन रहा है? सिलेंड्रिकल शेप में बन रहा है। तो ये हो गया हमारा क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन समझ में आया? क्रॉस सेक्शन मतलब बेसिकली हो रहा है ये हमारा एरिया, इसको हम एक ऊपर एक ऊपर एक रखते चले गए, रखते चले गए, तो हमारा क्या बन गया? सिलेंड्रिकल बन गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। क्रॉस सेक्शन समझ में आ गया, और ये समझ में आ गया क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, और ये भी समझ में आ गया कि क्वेश्चन ने कहा क्या है, ठीक है। अब हम लोग करें कैसे, अब इसको समझ लेते हैं, ठीक है। अभी इसने कहा कि जो इसकी डायमेंशन है पाइप की वो हमें गिवन है, तो हम लोग लिख देते हैं, पहले सोल्यूशन पे आते हैं। तो यहां पर हमें क्या गिवन है? डायमेंशन ऑफ पाइप, ठीक है। तो पाइप की जो डायमेंशन है, मतलब जो एरिया है हमारे पास, वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर, और ये है स्क्वायर, यही गिवन है ना, पाइप की गिवन है एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि जो स्पीड से बह रहा है, फ्लो हो रहा है पानी, कितने स्पीड से? 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो हम लोग लिख सकते हैं स्पीड ऑफ वाटर इन पाइप, ठीक है। किस स्पीड से बह रहा है भैया? 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये बह रहा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे देखो, अब अगर हम लोग ये पता लगा लें कि भैया कितने डिस्टेंस में बह रहा है, डिस्टेंस मतलब कहाँ तक बह रहा है ना, कितना बह रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी हाइट क्या होगी, क्योंकि जो डिस्टेंस होगा ना वही इस पाइप की हाइट होगी। देखो अगर हमें क्या पता लगाना है कि कितना लीटर पानी बह रहा है, तो उसके लिए हमें हाइट पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हमें हाइट पता के हम लोग बोल रहे हैं कि जो हाइट है वो बराबर है डिस्टेंस से, डिस्टेंस भी बोल सकते हैं और हाइट भी हम बोल सकते हैं इसमें, इस केस में, क्लियर है इतनी बात। अब देखो अगर नहीं समझ में आ रहा, देखो पाइप हमारा क्या है, लेटा हुआ है, इसको ऐसे खड़ा कर दो, अगर यहाँ से हमारा पानी जा रहा है और यहाँ तक जा रहा है, तो ये तो हमारी हाइट हुई ऊपर से देखा जाए, और अंदर से क्या बोल सकते हैं कि ये इसकी डिस्टेंस है, ये भी तो बोल सकते हैं, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे आओ, कैसे निकालेंगे? हमें पता है जब भी हमें डिस्टेंस निकालना होता है तो हमेशा हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, टाइम इंटू स्पीड, है ना, या फिर बोलो स्पीड इंटू टाइम, ये होता है फॉर्मूला डिस्टेंस निकालने का। तो हमने अभी क्या कहा कि पानी ने कितनी डिस्टेंस कवर की, उसको हम लोग पहले फाइंड करेंगे, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू होगा, हम लोग बोलते हैं स्पीड इंटू टाइम, या फिर टाइम इंटू स्पीड बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो स्पीड क्वेश्चन ने कहा 30 सेंटीमीटर और कहा पर सेकेंड बोला है। अब टाइम यहाँ पर कितना है भैया? टाइम है यहाँ पर हमारे पास 1 मिनट, कितना है? 1 मिनट है खाली, कितना है हमारे पास? 1
1 मिनट है। अब देखो यहाँ पर पूछा है सेकंड में दिया है, ठीक है, और यहाँ पर कितना बताया टाइम, टाइम बताया 1 मिनट। इसको कन्वर्ट कर दो तो कितना हो जाएगा, 60 सेकंड हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं इंटू 60 सेकंड, ठीक है, सेकंड से सेकंड हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, हमारे पास बचेगा 30 सेंटीमीटर और इंटू हो जाएगा हमारे पास 60, इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाइंग 36 18, तो 1800, ये हो जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या आ गया, ये आ गई हमारी डिस्टेंस। अब इसको हम लोग डिस्टेंस भी बोल सकते हैं और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाइट, ठीक है। तो हम लोग अब इसे हाइट मानेंगे, इतनी बात समझ में आ रही। फिर से देखो, यहाँ पर हमारे पास पाइप थी, पाइप में एक पानी बह रहा था इस स्पीड से, और क्वेश्चन पूछा अगर 1 मिनट में बहेगा तो कितना दूरी, 1 मिनट में कितना पानी बह जाएगा, ये क्वेश्चन ने पूछा हुआ है। अब हमने क्या किया, पहले हमें पता चला कि एरिया मतलब क्रॉस सेक्शन मतलब क्या होता है, एरिया होता है, जो हमने अभी बताया। फिर हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले हमें इसकी हाइट पता होनी चाहिए, या फिर बोलो डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए। तो डिस्टेंस के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया, स्पीड इंटू टाइम, तो हमने यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड कर ली, ठीक है। डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पर हाइट भी बोल सकते हैं, इतनी बात क्लियर है। अब हमें बताना है कि भैया कि 1 मिनट में कितना पानी बह जाएगा, ठीक है। तो हमें इस तरह का ये बताना है कि देखो ये पानी है, ठीक है, पानी किसके अंदर है, इस पाइप के अंदर है, तो पाइप के अंदर बह रहा है ना, तो हमें क्या बताना है, कोई चीज किसी के अंदर होती है उसके अंदर बह रही, तो हमें क्या निकालना होता है, वॉल्यूम निकालना होता है, क्या वॉल्यूम। जैसे अगर हम बात करें कि ये हमारा पाइप है, इस पाइप की इतनी जो एरिया है, इस एरिया में कितनी 5 सेंटीमीटर की जो एरिया है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है और पानी बह रहा है, अंदर बहता चला जा रहा है, ऐसे बह रहा है, ठीक है। तो जब पानी बह रहा है तो वो इसके अंदर से बह रहा है, मतलब वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम की बात हो रही, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ, यह कर दिया हमने वाटर, क्लियर हो रही इतनी, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर विल ट्रेवल, हम लोग लिख सकते हैं विल ट्रेवल इन 1 मिनट। अब देखो यहां पर वॉल्यूम की बात की, और जो हमारे पास पाइप है वो किस शेप में पाइप है, पाइप हमारा शेप है सिलेंड्रिकल शेप में, तो इसका फॉर्मूला यहां पर हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं, यहां पर फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच है, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम निकालने के, कभी भी सिलेंड्रिकल होता है ना, तो उसके दो तरीके होते हैं, एक तरीका होता है इस वाले फॉर्मूले से, या फिर दूसरा तरीका होता है एरिया इंटू हाइट। अब कहोगे ये कैसे, ये कैसे, अभी देखो हमने ये जो चीज़ बताई थी ना वो इसलिए ही बताई थी। देखो अगर हमने क्या कहा कि ये हमारा डिस्क रखी हुई है, मतलब सीडी रखी हुई है, ठीक है। अब इस सीडी की जो हमारे पास एरिया है, एरिया, एरिया कितनी है हमारे पास, 5 है ना। अब इसके ऊपर हम रखते चले गए, खूब सारी रखते चले गए, यहां तक रख दी हमने खूब सारी, ठीक है। तो हमारी ये पूरी क्या बन गई, एक सीडी रख दी, इसके ऊपर हम लोग रखते चले गए, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्या हो गई, हमारी हाइट हो गई, समझ में आ गया। तो ये किस शेप में आ गया, ये आ गया सिलेंड्रिकल शेप में, तो हम लोग इसमें ये वाला फॉर्मूला भी रख सकते हैं, एरिया इंटू हाइट, इतनी बात क्लियर है। ये इसमें हम लोग नहीं अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर एरिया कितनी, एरिया है 5, तो हमने 5 कर दिया। इंटू हाइट कितनी है, हाइट हमने बताया, डिस्टेंस, डिस्टेंस बोलो या हाइट बोलो एक ही बात है, तो हम लोग लिखेंगे 1800, ठीक है। अब इन दोनों का हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, तो जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा यहाँ पर 90 और 00 हो जाएगा, यहाँ पर कर दिया 90, ये हो गया 00, ठीक है। मतलब कितना आया, ये आ गया हमारे पास 9000, और ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब आएगा, क्योंकि देखो ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर और इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम, ठीक, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो हमारे पाइप से होके जाएगा, क्लियर हो गया इतनी बात। अब आगे देखो क्वेश्चन ने कहा है हाउ मैनी लीटर, हमें इसे कन्वर्ट करना है लीटर में, किसमें कन्वर्ट करना है, लीटर में। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इसे हम लोग मिली लीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 मिलीलीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मिलीलीटर के। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है मिलीलीटर में, तो हम लोग बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 9000 मिलीलीटर। अब मिलीलीटर से हम लोग इसे कन्वर्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं लीटर में, तो भैया लीटर में जब चेंज करेंगे तो 1000 से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 9, तो ये आ गया 9 लीटर, और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन था, ठीक है, बस यहाँ पर कन्फ्यूज मत होना इस जगह पर और ये डिस्टेंस वाले में, ठीक है, और इस एरिया में, मतलब डिस्टेंस में तो हो गया नहीं, एरिया क्या है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया अच्छे समझ लो इसमें, और यहाँ पर ये फॉर्मूले में,
ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26। अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन 27, अ सिलेंड्रिकल वाटर टैंक ऑफ डायमीटर 1.4 मीटर एंड हाइट 2.1 मीटर इज बीइंग फेड बाय अ पाइप ऑफ डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर थ्रू विच फ्लोस ऑफ द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमारे पास वाटर टैंक है, ठीक है। वाटर टैंक कुछ इस तरह से होता है, सिलेंड्रिकल शेप में, ठीक है। ये हो गया हमारा वाटर टैंक, हो गया, क्लियर हो गया। अब इस वाटर टैंक में क्वेश्चन कह रहा है कि इस पाइप से एक भरा जा रहा है पानी। ये हमारा क्या हो गया, पाइप हो गया, ठीक है। ये पाइप है, इस पाइप से पानी भरा जा रहा है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर इस पाइप के अंदर, बता रहा है, क्वेश्चन बता रहा है कि इस पाइप के अंदर 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से पानी निकल रहा है, ठीक है, फ्लो हो रहा है, तो बताओ ये टैंक कितनी देर में भर जाएगा। क्वेश्चन ने ये कहा है कि हमें बताना है कि ये टैंक कितनी देर में भर जाएगा अगर इस पाइप से भरा जा रहा है और इस पाइप से पानी निकलने की जो स्पीड है, बहने की जो स्पीड है, वो है 2 मीटर पर सेकेंड। तो कैसे बताओगे। बहुत सिंपल ये क्वेश्चन, बहुत सिंपल। देखो यहाँ पर ना, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा इस सिलेंडर का वॉल्यूम, मतलब कि अगर इसके अंदर हम लोग पानी भरें तो कितना पानी आ जाएगा, इसकी कैपेसिटी कितनी पानी आने की, ठीक है, वो हम लोग निकालेंगे। फिर हम लोग निकालेंगे इसका वॉल्यूम, एक सेकंड में ये कितना पानी भर पा रहा है, ठीक है। फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल था ना सुनने में, मगर करने में बिल्कुल भी नहीं है। कैसे करेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब कुछ समझ में आ गया, करना क्या है ये भी समझ में आ गया, और क्वेश्चन पूछ क्या रहा है ये भी समझ में आ गया, और बता क्या रहा है ये भी समझ में आ गया। अब समझते हैं इसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो फिर से हम लोग एक बार समझ लेते हैं हमें करना क्या है। सबसे पहले हमें पता लगाना है इस वाटर टैंक का क्या है वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम पता लगाएंगे। फिर हम लोग पता लगाएंगे कि एक सेकंड में कितना पानी ये भर पा रहा है, मतलब इसका भी वॉल्यूम, एक सेकंड का वॉल्यूम निकालेंगे। कैसे करेंगे अभी समझो। यहाँ पर अभी हम लोग बात करते हैं टैंक की, ठीक है। तो सॉल्यूशन पे आ गए, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं टैंक की, तो यहाँ पर हमने लिखा टैंक, ठीक है। तो टैंक की जो डायमीटर दिया हुआ है कितना दिया है, 1.4 मीटर है ना। तो देखो हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम में भैया डायमीटर का कोई खेल नहीं होता, खेल किसका होता है, आर ओ एच का होता है। आर मतलब रेडियस, एच मतलब हाइट, तो रेडियस तो पता नहीं हमें, तो रेडियस हम लोग कैसे निकालते हैं, डी बाई टू से। तो यहाँ पर डायमीटर हमें दिया है 1.4, और जो रेडियस हो जाएगी यहाँ पर 2, और यहाँ पर आ जाएगा 0.7 मीटर, क्लियर हो गए, ये हो गए रेडियस। अब हाइट हमें पता नहीं है, अरे सॉरी पता है, हाइट कितनी है 2.1 मीटर है। हाइट भी पता हो गई, रेडियस भी पता है, तो चलो तुरंत हम लोग निकाल लेते हैं वॉल्यूम। तो यहाँ पर लिखा वॉल्यूम ऑफ टैंक, क्या है वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक बोलो, या फिर क्या लिख दिया टैंक, ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ टैंक, क्लियर है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है पाई, ये होगा हमारे पास आर स्क्वायर एच, ये होता है पाई को हम लोग पाई ही रहने देते हैं, ठीक है। पाई को क्या करेंगे, पाई रखने हो क्योंकि रख लो, क्योंकि ये आगे कट जाएगा। पाई लिखा, आर हमारे पास कितना है 0.7 है ना, तो इसको हम लोग 0.7 लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा हमने 0.7 स्क्वायर इंटू एच, एच कितना भैया, एच है 2.1, ठीक है। ये हो गया हमारा वॉल्यूम, क्लियर हो गया इतनी बात, ये हो गया हमारा वॉल्यूम। अब आते हैं पाइप में, तो पाइप में जो पानी बह रहा है किस स्पीड से बह रहा है, ये बह रहा है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, मतलब एक सेकेंड में 2 मीटर की वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, इस स्पीड से ये भाग रहा है, समझ गए। देखो ये हमने बना दिया पाइप, क्या है ये हमारा पाइप। अब इस पाइप के आगे, सॉरी आगे नहीं, अंदर अंदर जो पानी है वो बह रहा है किस स्पीड से बह रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड। अगर हम कह रहे हैं कि एक सेकेंड में कितना मीटर कवर कर रहा है, डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, 2 मीटर की, क्योंकि एक मिनट, एक सेकेंड में 2 मीटर की स्पीड से ये बह रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, 2 मीटर की ये डिस्टेंस कवर कर रहा है एक सेकेंड में। अभी क्वेश्चन नंबर 26 में बताया था कि जो डिस्टेंस होता है वो बराबर हो जाता है हाइट के, ठीक है, या फिर डिस्टेंस बोलो या फिर हाइट बोलो, एक बात है, ठीक है, इसमें खाली। अब आगे आ जाओ, अगर इतनी बात समझ में आ गई, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं स्पीड ऑफ वाटर फ्लो, ठीक है, किस में फ्लो हो रहा है, पाइप में हो रहा है, ना कि टैंक में। तो अभी हम लोग पाइप की बात कर रहे हैं, तो यहाँ लिखते हैं स्पीड ऑफ द वाटर फ्लो, ठीक है, पानी बह रहा है किस स्पीड से बह रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर इसकी हमें रेडियस गिवन है, रेडियस कितनी है, रेडियस
नहीं रेडियस नहीं गिवन है, इसकी हमें डायमीटर गिवन है। तो डायमीटर हम लोग कैसे निकालेंगे, रेडियस हम लोग निकालेंगे डायमीटर बाई 2 से। तो डायमीटर यहाँ पर हमें 3.5 गिवन है, तो 3.5 बाई हमने 2 कर दिया, और ये है सेंटीमीटर में। किस में है, सेंटीमीटर में। और देखो यहाँ पर मीटर है, सब कुछ मीटर में है, बस यही सेंटीमीटर में। तो इनको भी हम लोग बदल देंगे मीटर में, ठीक है। तो ये आ जाएंगे हमारे पास 3.5, यहाँ पर होगा 2 × 100, तो ये होगा 3.5 × 200, और ये हो जाएगा हमारे पास मीटर। क्लियर हो गया इतनी बात। ये क्या आ गया हमारा मीटर, रेडियस हमारे पे कितनी आ गई, 3.5 × 200, और ये हो गया हमारे पास मीटर। समझ गए इतनी बात, बहुत सिंपल है, अभी तक तो कुछ किया नहीं। अब देखो, अब समझना, पहले हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, अब हम लोग निकालने वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, पाइप का, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, समझना अच्छे से, वाटर टैंक, टैंक डैट फ्लो, ठीक है, डैट फ्लो क्या होगा, किस स्पीड से होगा, फ्लो द पाइप, हाँ पाइप से भर रहा है ना, फ्लो द पाइप, क्लियर है। अब फ्लो द पाइप होगा हमारा 1 सेकेंड, ठीक है, इन 1 सेकेंड कर देते हैं, इन 1 सेकेंड। अब देखो हम लोग वॉल्यूम निकाल रहे हैं उसका, जो 1 सेकेंड में पानी हमारा डिस्टेंस कवर कर रही उसकी, मतलब हमारे पास ये हो गया पाइप, ठीक है, ये हमारी पाइप है। अब 1 सेकेंड में क्वेश्चन ने कहा है कि ये डिस्टेंस कवर कर रही 2 मीटर का 1 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड का ही हम लोग निकाल लें वॉल्यूम, कि भैया 1 सेकेंड में अगर कितने वॉल्यूम ये पानी भर देता है, यही हम लोग निकाल लें। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास इसका फॉर्मूला पाई, ये होगा आर स्क्वायर एच होगा, ठीक है। पाइप को, पाई को हम लोग पाई ही रहने देते हैं, आर हमारी रेडियस है, यहाँ पर है क्या 3.5 है, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर 3.5, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 200, क्लियर है। और यहाँ पर हो गया स्क्वायर इंटू एच, एच मतलब हाइट, अभी हमने बताया कितना है हमारे पास 2, क्योंकि ये 2 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा, और डिस्टेंस ही हमारी हाइट हो गई। इतना समझ में आ गया। अब आते हैं इसका थोड़ा सा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा पाई इंटू, यहाँ पर 3.5 स्क्वायर है, तो हम लोग इसको ऐसे ले सकते हैं 3.5 डिवाइड में 200, और इंटू हमने कर दिया 3.5 डिवाइड में 200, ठीक है, इंटू हमने 2 कर दिया, पॉइंट हटाया नीचे 0, पॉइंट हटाया नीचे 0 आ गया। अब यहाँ पर 35 और 2, 35 इंटू 2 करो तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा, ठीक है, और 70 इंटू 35 करो, मतलब 35 इंटू 7 कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 35 इंटू 7 करने में कितना आएगा हमारे पास, 7 × 5 = 35, 5 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 24, हाँ ठीक है, 2450 ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास पाई इंटू 2450, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डिवाइड में 2 2s क्या है 4, यहाँ लिख दिया हमने 4, 3 3 6 6 0, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया वॉल्यूम, ठीक है, ये चीज सेम यहीं पे, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये वॉल्यूम आ गया 1 सेकेंड में कितना होगा पाइप का, और यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम आ गया था किसका, टैंक का, ठीक है। हमें क्या निकालना, टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे, चलो इसे हम लोग करते हैं डिवाइड। तो यहाँ पर हमें करना क्या पड़ेगा, सिंपल सा इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पर था वॉल्यूम ऑफ टैंक, तो हमने लिख दिया वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ टैंक डिवाइड करेंगे किससे, वॉल्यूम ऑफ पाइप इन 1 सेकेंड, ठीक है, इससे। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ टैंक है यहाँ पर पाई, ठीक है, यहाँ कर दिया इनटू, और यहाँ पर हमारे पास है कितना, 0.7 होल स्क्वायर इनटू 2.1 डिवाइड में, यहाँ पर हमारे पास पाई इनटू कर दिया हमने 2450, और डिवाइड हो गया यहाँ पर 4 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आ जाओगे, अब देखो, अब इसकी कैलकुलेशन बहुत मैटर करती है, बहुत आराम से इसकी कैलकुलेशन करना, अगर यही कर दोगे तो थोड़े मार्क्स जो मेहनत की ना वो सब चले जाएंगे। तो हमने यहाँ लिखा पाई इंटू, यहाँ पर पॉइंट है, 0.7 पॉइंट हटा दिया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, 7 7 बाई यहाँ पर आ जाएगा 10, यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ये 2 बार लिखा जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर है 0.7 और ये होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो रहा, 0.7 इंटू 0.7, पॉइंट हटाया नीचे आ गया 10, पॉइंट हटाया नीचे आ गया 10,
बचा क्या 7 बाई 10 7 बाई 10, वही हमने यहाँ पर लिख दिया, इंटू 2.1 है, पॉइंट हटा देंगे नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो 21 बाई यहाँ पर आ गया 10। अब यहाँ पर डिवाइड में देखो यहाँ पर पाई है, पाई लिखा इंटू 2450 मतलब 2450 डिवाइड में 4023456, ठीक है। देखो पाई से पाई हमने कैंसिल कर दिया। अब देखो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 7 7 से क्या होगा, 7 7 से हो जाएगा 49। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 49 इंटू 21 डिवाइड में यहाँ पर क्या आ गया 1000 आ गया। अब देखो डिवाइड में क्या है हमारे पास, ये है, तो यहाँ पर लिखा हमने 2450 डिवाइड में आ गया हमारे पास 4000000, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएगा 49 इंटू 21, क्लियर है, इंटू कर दिया हमने यहाँ पर 4006 डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर 1000 इंटू यहाँ पर होगा 2450, 2 3 0 से 3 0 1 0 से 1 0, ये कैंसिल, बचा क्या 40, ठीक है। अब देखो 5 से कर देते हैं, 5 8 40 होगा, 5 से इसे करते हैं 5 5 5 4 20 और यहाँ पर कितना बचेगा 45, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 29, ठीक है, यहाँ पर हमने कर दिया 29। अब यहाँ पर हम लोग 29 करते हैं तो किससे जा सकता है, ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर 4 20 है ना, तो यहाँ पर 2 लिख दिया था, तो 5 4 20 होगा 49 आ गया। अब 49 करते हैं तो 49 से हम लोग इसे कैंसिल करेंगे, 7 से करते हैं, 7 7 49 7 7 49, अरे 49 49 हमारा कैंसिल हो गया, करने की ज़रूरत ही नहीं, 49 49 कैंसिल, बचा यहाँ पर क्या 21 8, तो यहाँ पर लिख दिया 21 8, तो इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या है 21 8 करेंगे तो ये आ जाएगा 8 2 16 8 168, ठीक है। अब ये 168 8 एक मिनट 3 1 4 1 0 यहाँ पर बचेगा 80 आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, 1680 ये है हमारे पास आया। ये क्या है, ये आया हमारा सेकंड में। अब कोई पूछेगा कि भैया कितनी देर में टैंक भर रहा है, तो क्या सेकंड में बताओगे, नहीं, ये मिनट में बताओगे या घंटे में बताओगे, तो हमें सेकंड से अभी इसे कन्वर्ट करना है कि इसमें मिनट में या घंटे में, तो हम लोग क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर 60 से हम लोग करते हैं डिवाइड, तो 0 0 कर देंगे, तो 6 2 12 होता है, तो यहाँ पर 12 होगा, 6 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास मिनट, ठीक है। और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, कितना सिंपल था, बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन था, बस यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन को ध्यान देना, ठीक है, मिस्टेक सबसे हो जाती है, हमसे भी होती है, आपसे भी हो रही होंगी, मगर कैलकुलेशन को अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 28 मिनट, और 28 मिनट हो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में, क्वेश्चन नंबर 28 को अब हम लोग सॉल्व करते हैं, और ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कैसे इंटरेस्टिंग है इसको अभी समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा, अ सिलेंड्रिकल कंटेनर विद डायमीटर ऑफ बेस 56 सेंटीमीटर कंटेन्स सफिशियंट वाटर टू सबमर्ज अ रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ आयरन विद डायमेंशन दिस, फाइंड अ राइज ऑफ द लेवल ऑफ द वाटर व्हेन द सॉलिड कंप्लीटली सबमर्ज्ड। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझो, एक हमारे पास कंटेनर है, चलो हमने कंटेनर बना दिया, कुछ इस शेप में हमारा कंटेनर है, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल शेप का है कंटेनर, इतना याद रखना, ठीक है, ये हो गया हमारा कंटेनर, ओके, ये हमने कंटेनर ले लिया। अब इस कंटेनर में हमने एक रेक्टेंगुलर शेप का क्या है सॉलिड, ये रेक्टेंगल शेप है, ठीक है, ये हमने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, ये देखो ये हमने उठाया और इसके अंदर हमने डाल दिया, तो देखो एक चीज करते हैं, यहाँ पर हमारा क्या है पानी भरा हुआ है, एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमारा मान लो इतना पानी भरा हुआ है यहाँ तक, ठीक है, अब इसमें हमारा पानी भरा हुआ है, अब इसमें हमने क्या किया कि इसको उठाया, ठीक है, और इसको उठा के हमने इसके अंदर डाल दिया, इसके अंदर हमने देखो यहाँ पर डाल दिया, ये हमारा है रेक्टेंगल शेप का, ठीक है, इसको हमने डाला, तो जब हमने इसके अंदर डाला तो इसका जो पानी का लेवल था ना यहाँ से यहाँ हो गया, ठीक है, यहाँ पहुँच गया, इतना ऊपर पहुँच गया, ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है इसके डालने के बाद कितना पानी ऊपर जा रहा है उसकी हमें हाइट बता दो, यही क्वेश्चन ने पूछा है, ठीक है, इतना समझ में आ गया, नहीं आया, देखो यहाँ पर हमारे पास कंटेनर था जिसमें इतना पानी भरा था, ठीक है, उसमें हमने क्या किया एक रेक्टेंगल शेप का, देखो सॉलिड ऑफ आयरन, देखो सॉलिड है ये, इसको उठाया इसके अंदर भर दिया डाल दिया, तो जो हमारा पानी था ना वो पानी यहाँ से यहाँ आ गया,
इतने ऊपर आ गया, जैसे एक कोई हम लोगों ने स्टोरी सुनी होती बचपन में, कौवा घड़े में पानी डालता है फिर पानी पी जाता है, बिल्कुल वही चीज़ इसमें हो रहा है। यही चीज़ इसमें इंटरेस्टिंग है कि पानी हमारा इतने लेवल में आ गया, ठीक, बढ़ गया इसका लेवल, तो क्या हो रहा है, कितना लेवल बढ़ा है, हमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है। बस बहुत सिंपल है। अब देखो कैसे करेंगे, अभी समझ लो। यहाँ पर ना क्वेश्चन में क्या होता है कि जितना भी हमारा पानी होता है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं, यहाँ पर हम लोग करते हैं एक, हम देखो इसे क्या करो, एक खुद से एक एग्जांपल करो, एक गिलास लो, ठीक है, गिलास में पानी भर दो, फिर क्या करो उसमें एक कोई भी चीज़ सॉलिड चीज़ डाल के देखो, पानी हमेशा ऊपर बढ़ जाएगा, ठीक है, लेवल उसका जो हल्का सा होगा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में आ जाओ, यहाँ पर क्या कह रहा क्वेश्चन कि हमने यहाँ पर जब पानी में ये डाला तो इसका कोई एक एरिया होगा, ठीक है, इसका कोई वॉल्यूम होगा ना, इसका जितना वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम का पानी इतना ऊपर जाएगा। समझ में आया, नहीं आया तो देखो समझो, हमारे पास मान लो ये जो हमारे पास था रेक्टेंगल शेप का सॉलिड, ठीक है, शेप था, इसका जो वॉल्यूम था मान लो 5 था, ठीक है। अब जब हमने इसके अंदर डाला तो इसमें जितना पानी भरेगा ना वो आएगा, वो भी होगा हमारा 5। ये बात समझ में आ रही, 5 आएगा नहीं, मतलब इस पानी का जो वॉल्यूम होगा वो भी होगा 5। क्यों होगा 5? क्योंकि जब हमने इसको इसके अंदर डाला, ठीक है, जब इसके अंदर हमने डाला तो इसने अपने वॉल्यूम भर के जगह ले ली, ठीक है। अब अपने वॉल्यूम भर की जब जगह ली तो उसका जो पानी होगा ना उतना पानी ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो इस जगह पे आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गया कि जितना इसका वॉल्यूम होगा उतने ही वॉल्यूम का पानी हमारा ऊपर चला जाएगा। बस ये समझना बहुत जरूरी है। अब इसको करेंगे कैसे वो अभी आगे पता चल जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहले यहाँ पर क्या सिलेंड्रिकल शेप में है, ठीक है, तो चलो इसकी हम लोग रेडियस निकाल लेते हैं, सॉल्यूशन में आते हैं। यहाँ पर डायमीटर हमें गिवन है कितना, 56 गिवन है हमारे पास डायमीटर सेंटीमीटर में। इसकी रेडियस में आते हैं तो 56 बाई क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 2 2 4, 2 8 16 होता है, 8 16 सेंटीमीटर। तो ये आ गई हमारे पास रेडियस इस कंटेनर की, कंटेनर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इस कंटेनर में हम लोग इस कंटेनर का क्या निकाल लेते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो वॉल्यूम निकाला, तो वॉल्यूम ऑफ यहां पर क्या है, कंटेनर, कंटेनर करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, हमारे पास गिवन क्या था, यहां पर हमारे पास गिवन है 56 सेंटीमीटर, क्या है, रेडियस, और यहां पर क्या है, हाइट, हाइट नहीं गिवन है ना, हाइट ही तो हमें फाइंड करनी है ना, तो देखो कैसे करते हैं फाइंड। यहां पर पाई हमें कितना गिवन है, 22/7 होता है, 22/7 हम लोग लिख देते हैं। आर हमारी क्या है, रेडियस है, तो रेडियस आर है कितनी, 28 यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पर जो एच है ना, एच का कुछ आता पता नहीं, एच को हम लोग एच ही रखते हैं। ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, क्लियर हो गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल, तो आते हैं यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल, ये हो जाएगा हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा। यहाँ पर लेंथ हमारे पास कितनी गिवन है, लेंथ है 32 और ब्रिथ हमारे पास 22 गिवन है, और जो हाइट है वो गिवन है 14, ठीक है। यहाँ पर इसको हमने ऐसे लिख दिया, बस और कुछ नहीं करना। अब देखो हमें क्या निकालनी थी, हाइट निकालनी थी। हमने क्या बताया कि क्वेश्चन में जो हमारे पास कंटेनर था उसमें हमने ये रेक्टेंगल शेप का जो सॉलिड है ना वो हमने भर दिया, तो हमारा जो पानी था ना वो इतना ऊपर चला गया, कितना ऊपर चला गया इसका ही हमें हाइट बतानी है, ठीक है, कितना ऊपर चला गया यही हमें बतानी है, कुल मिला के ये समझ लो। अब देखो इतना ऊपर गया तो यहाँ पर ये समझो कि इसका जो वॉल्यूम था, ठीक है, और इसका जो वॉल्यूम था वो सेम था, क्यों, क्योंकि जितना इसका वॉल्यूम था उतना ही पानी ऊपर गया है, तो वो और ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो हमारा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है वो बराबर है वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल के, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हमारा है 22/7 है, इंटू यहाँ पर जो हमारे पास रेडियस है वो 28 है ना, तो 28 इंटू हम लोग 28 कर देते हैं, स्क्वायर लगा तो 28 इंटू 28, यहाँ पर हमने हाइट कर दिया, इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल हमारे पास है 32, 32 इंटू 22 इंटू यहाँ पर हो गया हमारे पास 40, ठीक है, ये है। अब देखो यहाँ पर 7 हमारा डिवाइड में इधर भेज दो तो यहाँ पर दौड़ते हुए जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर H लिख देते हैं और सब कुछ हम लोग यहाँ भेजेंगे बारी बारी, तो यहाँ पर हो गया 32 इंटू यहाँ पर हो गया 22 इंटू हो गया 14, हमने क्या कहा ये डिवाइड में यहाँ चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 7 आ गया,
22 हमारा मल्टीप्लाई में इधर आएगा, इक्वल के इस साइड आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया 22 इंटू ये 28 मल्टीप्लाई में ये भी आ जाएगा और ये हमारा 28 ये भी आ जाएगा। एच को बस हमने छोड़ दिया, 28 28 खत्म। ठीक है, 7 से करो, 7 से चलो, 7 से 7 4 जा 4 से 4 8 जा। ठीक है, अब क्या होगा, फिर से 7 से करो, 7 2 जा 14 और 7 4 जा चला जाएगा, 4 2 जा 2 2 क्या आ गया हमारे पास 4। तो जो हाइट आई है वो आ गई हमारे पास 4, ये हो गए सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। बस हाइट निकाल ली थी हमने, हाइट कर ली फाइंड, और यही हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट करके ज़रूर देखना और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि ये आपका पानी का जो लेवल है वो बढ़ा है या घटा है। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन 29, फाइंड द कॉस्ट ऑफ सिंकिंग अ ट्यूब वेल 280 मीटर डीप हैविंग अ डायमीटर 3 मीटर एट द रेट ऑफ रुपीज 15 पर क्यूबिक मीटर। फाइंड ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इट इनर कर्व सर्फेस एरिया एट रुपीज 10 पर स्क्वायर मीटर। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि एक हमें ट्यूबवेल खोदना है। सिंकिंग मतलब क्या हो रहा है, खोदा जा रहा है। कैसे, देखो एक हमारे पास क्या होता है, जमीन होती है। चलो ये हमारी जमीन है, ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, एक कुआं बनाना है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर यहाँ से इतनी जमीन बाहर निकालनी पड़ेगी, इतनी मिट्टी बाहर निकालनी पड़ेगी, फिर हमें क्या बनाना पड़ेगा, कुआं। अब जब इस कुएं को बनाने की जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही 15 रुपये, तो ये पूछ रहा है मतलब एक स्क्वायर मीटर की जो कॉस्ट आ रही है, क्यूबिक मीटर की जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 15 रुपये। तो क्वेश्चन पूछ रहा है अगर वो जो हमारा कुआं है वो 280 मीटर डीप है, गहरा है, ठीक है, और उसकी जो डायमीटर है वो 3 मीटर है, तो उसको बनाने में या फिर उसको बोलो खोदने में, ठीक है, कितनी कॉस्ट आएगी। ये बात समझ में आ गया, फिर से समझते हैं कि एक कुआं है, ठीक है, कुआं नहीं है, एक हमें कुआं बनाना है, ठीक, ट्यूबवेल के लिए। तो उसमें कह रहा है कि जो उसकी डीप है वो है 280 मीटर है गहराई, ठीक है, और उसकी जो डायमीटर है 3 मीटर है। ठीक है, तो इसको बनाने में या फिर बोलो खोदने में कितनी कॉस्ट आएगी अगर जो बनाने वाला कॉस्ट ले रहा है 15 रुपये क्यूबिक मीटर के हिसाब से। इतनी बात समझ में आ गई, नहीं आई तो अभी समझ में आ जाएगी। देखो इसमें क्वेश्चन ने कहा है कि हमें सिंपल सा ये बताओ कि यहाँ पर इसको बनाने में कितने रुपये का खर्चा आ रहा है, बस। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ यहाँ तक की बात की, इससे और यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक अभी बाद में करेंगे, पहले इतना सॉल्व करते हैं फिर यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है सिंपल यहाँ तक कहा है कि इसको बनाने में कितना कॉस्ट आ रहा है हमें ये बताओ। ठीक है भैया, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वो बना कितना रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्या देखेंगे कि वो बना कितना रहा है, कितनी एरिया में बना रहा है। तो हमें इसकी चाहिए होगी वॉल्यूम, क्या चाहिए होगा, वॉल्यूम चाहिए होगा, कितना वॉल्यूम में वो बना रहा है। समझो अभी यहाँ पर क्या गिवन है, हमें हाइट गिवन है, कितनी हाइट है इसकी, ये मतलब कितनी गहराई तक खोदा जा रहा है, 280 मीटर डीप तक किया जा रहा है। ठीक, डीप मतलब हाइट हो जाती है। अब जो रेडियस नहीं दी है, क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया है, तो डायमीटर की जगह हम लोग रेडियस निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 3/2 करके, क्योंकि डायमीटर बाई 2 होती है हमारी रेडियस। क्लियर है, ये चीज़ हमें गिवन है। अब हमें बताना है कि इसको बनाने में कितनी कॉस्ट आ रही है, तो इसके लिए हम लोग इसका सबसे पहले निकालेंगे वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ट्यूबवेल क्लियर है। अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर मतलब हो गया रेडियस, रेडियस हो गया हमारे पास 3/2 यहाँ पर हो गया स्क्वायर इंटू एच मतलब 280। क्लियर हो गया, समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, सिंपल से इसका यार खोल खाल दो और इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर ले आओ, इंटू कर दिया मतलब वॉल्यूम ले आओ, आंसर नहीं आएगा भाई। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 3/2 इंटू, ये कर दिया 3/2 इंटू 280। ठीक है, 2 से करो 11 चला गया, 2 से करो तो 2 1 2 2 4 0, फिर से 2 से करो 2 7 17, 3 3 9 और 7, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 3 9 और यहाँ पर हो जाएगा 11 मतलब हो जाएगा 33, यहाँ कर देते हैं इंटू 7 3 21, 33 into 21 कर दो कितना आ जाएगा, 198 1980। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ट्यूब, ये आ गया हमारा वॉल्यूम। क्लियर है, अब देखो अब कह रहा था कि इसको बनाने में 15 रुपये का खर्चा आ रहा है, तो कुल मिला के जो हमारा वॉल्यूम बना है वो कितना आया, ये आया। तो इस वॉल्यूम को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट से। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सिंकिंग
सिंकिंग द ट्यूब वेल, द ट्यूब वेल, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 1980 इंटू हो जाएगा हमारे पास कितना 15, ठीक है। तो यहां पर करेंगे तो यहां पर है जीरो, तो जीरो ही लिख दो पहले, तो यहां पर हो जाएगा जीरो, फिर यहां आ जाएगा सेवन, बरोबर 92, ठीक है। तो ये आ जाएगी इसकी कॉस्ट, ठीक है। तो इतना खर्चा आएगा इसको बनाने में। फिर समझ लेते हैं कि एक हमारे पास था क्या, यहाँ पर था कुआं, ठीक है। कुआं को खोदा गया तो कितना खोदा गया भैया, इसके अंदर की मिट्टी निकाली गई, इसके अंदर की मिट्टी को निकालने के लिए वो चार्ज कर रहा है 15 रुपये पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। एक क्यूबिक मीटर निकालने में 15 रुपये लग रहे हैं। तो इसके अंदर का हमने वॉल्यूम निकाल लिया, ठीक है, इस कुएं का वॉल्यूम निकाला, उसका हमने 15 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो इतना रुपए वो ले रहा है, क्लियर हो गया। अब आते हैं आगे इसके, क्वेश्चन कह रहा फाइंड आल्सो द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इट इनर कर्व सरफेस एरिया एट रुपीज 10 पर स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन है क्या कहा है कि जो उसके अंदर का एरिया है, मान लो ये हमारा कुआं है, ठीक है, ये जो अंदर का एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है, अंदर वाला ये वाला एरिया, इस एरिए में सीमेंटिंग की जा रही है। जैसे हम लोग घर बनाते हैं, घर में क्या होता है, सीमेंट किया जाता है, ठीक है, तो वही चीज इसमें भी हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है, सीमेंट हो रहा है। और इस सीमेंट होने की जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही 10 रुपये पर स्क्वायर मीटर की आ रही, क्लियर है। कितनी आ रही, इतनी आ रही। हमको अब इसकी कॉस्ट निकालने की, टोटल कॉस्ट कितनी लगी, ठीक है, बहुत सिंपल है। कर्व सरफेस एरिया बोला है, इनर कर्व सरफेस, तो इनर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दो, इनर सी एस ए कर्व सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2πRh, 2 मतलब क्या होता है, 2 होता है, पाई मतलब होता है 22/7 होता है, आर मतलब क्या होता है रेडियस, और रेडियस हमारे पास 3/2, इंटू एच कितना है 280 है, बस क्लियर है। 2 से करो, 2 4 से चला जाएगा, यहाँ पर कितना आ गया 40, 2 से कर दिया 20 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 44 इंटू कर दिया 60, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2640, ठीक है, ये आ गया हमारे पास मीटर स्क्वायर, ठीक, ये आ गया हमारे पास मीटर स्क्वायर। ये क्या है हमारे पास, सी एस ए कर्व सरफेस एरिया। अब इतने एरिया में क्या हुआ, सीमेंट हुआ है, ठीक है। अब सीमेंट की जो कॉस्ट थी कितनी थी, 10 रुपये थी, बस इससे हम लोग कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं रेट ऑफ सीमेंटिंग इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर 2640 इंटू, यहाँ पर हमने कर दिया कितना था 10 रुपये, तो यहाँ पर आ जाएगा 2640, बस ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। पहले कुआं खोदा गया, उसमें कॉस्ट लग रही थी 10 रुपये पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से, तो जब हमने उसका वॉल्यूम निकाल लिया तो 15 रुपये लग रही थी, तो 15 का मल्टीप्लाई करा दिया, फिर क्या हुआ, उसके अंदर क्या हुआ, सीमेंट हुआ, ठीक है। सीमेंट की जो कॉस्ट लग रही थी वो 10 रुपये, कर्व सरफेस एरिया मतलब अंदर के एरिया में हो रही थी, तो हमने इसका एरिया निकाला और यहाँ पर हमने 10 से कर दिया मल्टीप्लाई, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन 30, फाइंड द लेंथ ऑफ 13.2 केजी ऑफ कॉपर वायर ऑफ डायमीटर 4 mm व्हेन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ कॉपर वेट इज 8.4 ग्राम। देखो यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि लेंथ फाइंड करो क्या फाइंड करना है, लेंथ। अब इसमें जो हमारे पास कॉपर वायर, देखो कॉपर वायर तो सबने देखा है किस शेप में होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है, ठीक है। अब उसका जो वेट दिया है, वो वेट है यहाँ पर 13.2 केजी है, कितना है 13.2 केजी वेट दिया है, ठीक है, कॉपर वायर का। अब उसकी डायमीटर दी गई 4 mm, ठीक है, mm में दी, इसे हमें चेंज करना पड़ेगा, किस में चेंज करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, क्लियर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है वन क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ कॉपर वेट इज 8.4 ग्राम। यहाँ पर क्या, वन क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर से कुछ समझ में आ रहा है, यहाँ लिखते हैं 1 cm³, इससे कुछ समझ में आ रहा है, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं बात कर रहा है वॉल्यूम की, क्योंकि जब भी हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं तो हमारा क्या होता है, क्यूब में आता है ना, तो यहाँ पर ये बात कर रहा है वॉल्यूम की, ठीक है। क्या बात कर रहा है आगे अभी हम लोग समझते हैं। तो सिंपल सी बात, पहली पॉइंट ये है कि यहाँ पर हमें लेंथ फाइंड करना है, इसका वेट हमें ये गिवन है और यहाँ पर डायमीटर गिवन है, और यहाँ कह रहा है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ कॉपर वेट इज 8.4 ग्राम। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो वायर का वेट है वो है 8.4 ग्राम है, ठीक है। अब आगे देखो, लिख लेते हैं इसे, सोल्यूशन पे आते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन समझ में ही आ गया होगा। लेंथ निकालने, यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है कि यहाँ पर है डायमीटर, वो कितनी है 4 mm है, कितनी है 4 mm है।
अब इसकी हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो रेडियस के लिए क्या करेंगे, डायमीटर बाय टू कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, टू आ जाएगा, ये आ जाएगा एमएम में, ठीक है। अब क्या है कि ये आगे हमारी एमएम, हमें इसे एमएम से किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, सेंटीमीटर की। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हमें क्या होगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 0.2 आ जाएगा सेंटीमीटर। तो ये आ गई हमारे पास क्या, रेडियस आ गई है। अब कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ, लेंथ फाइंड करनी है वायर की। अब यहाँ पर वेट दिया 13.2 केजी दिया, वेट दिया ना, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इसके पास नहीं, इसके पास नहीं, इसका जो कॉपर का वेट है वो हमारे पास है 13.2 केजी, और यहाँ पर बात कर रहा है ग्राम में। तो हम लोग इसको ना क्या करेंगे, चेंज कर देंगे केजी से ग्राम में। यहाँ पे लिखते हैं वेट ऑफ, यहाँ पे लिख दिया हमने वेट, वेट ऑफ कॉपर वायर, कॉपर वायर इक्वल्स टू है 13.2 केजी। क्लियर हो गई इतनी बात, ये वेट है, हमें इसे चेंज करना। तो यहाँ पर हम लोग चेंज कर देंगे, तो यहाँ पर 13.2 हमें किस में चेंज करना है, ग्राम में। तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पॉइंट हटाया, नीचे आ गया 10, 0 से 0, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 132 ठीक है, ये आ गया हमारे पास ग्राम। तो अब जो वेट आई है ना वो हमें मिल गई है ग्राम में। अब ध्यान सुनो, यहाँ पर कह रहा 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ कॉपर वेट इज 8.4 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना है, 13200 ग्राम। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ 13200 ग्राम ऑफ कॉपर वायर, कॉपर वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 13200 डिवाइड में आ जाएगा 8.4, ठीक है, ये आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब ये क्या है, ये हमारा वॉल्यूम है, किसका वॉल्यूम है, कॉपर वायर का। और हमें पता है जो हमारा कॉपर वायर किस शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में। तो वायर सॉरी वॉल्यूम ऑफ कॉपर वायर, या फिर बोलो सिलेंड्रिकल, ठीक है, कॉपर वायर इक्वल्स टू होता है 2πRh, सॉरी क्या होता है, πR²H होता है, πR²H। कॉपर यहाँ पर कितना हुआ है, हमारे पास वॉल्यूम है 132 और यहाँ पर डिवाइड में है 8.5 है, इक्वल्स टू पाई मतलब होता है 22/7, तो 22/7 कर दिया, इंटू आर स्क्वायर मतलब क्या हुआ, यहाँ पर रेडियस, रेडियस कितनी है 0.2, तो यहाँ पर होगा 0.2 का यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, और इंटू एच, यही हमें करना है फाइंड, ठीक है। बस यहाँ पर लिखा हमने 132 और यहाँ पर देखो इक्वल के इस साइड क्या है, 7 है, डिवाइड में यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 0.2 है ना, 0.2 है, अगर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक काम करते हैं कैसे समझाएं, यहाँ पर आते हैं, ठीक है, यहाँ पर 0.2 है, स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा, 0.2 इंटू 0.2 होगा, पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा, 10, यहाँ का हटाएंगे यहाँ पर भी आ जाएगा 10। अब देखो ये डिवाइड में, ये डिवाइड में, तो ये इस तरफ जाएगा तो किस में होगा, मल्टीप्लाई में, तो इंटू 10 इंटू क्या आ गया, 10 आ गया, इक्वल्स टू यहाँ क्या बचा, सिर्फ एच बचा, ठीक है। अब देखो ये 22 किस में, मल्टीप्लाई में, यहाँ आ जाएगा तो डिवाइड में 22, यहाँ पर पहले से 8.4 है तो इसको लिख देते हैं, और यहाँ पर देखो 2 × 2 है तो यहाँ पर लिख दिया 2 × 2। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई, इसको अब हटा देते हैं क्योंकि ये समझने के लिए था। अब यहाँ पर 2 × 2 है और यहाँ पर है, ठीक है, तो हम लोग इसे कैंसिल करें, चलो करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका पॉइंट हटाते हैं, ऊपर एक जीरो और बढ़ा देते हैं, मतलब 10 और बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं इसके सोल्यूशन में, यहाँ लिखा 13200 इंटू 7 इंटू, यहाँ पर सीधे 10 × 10 1000 कर दें, 1, 2, 3, और डिवाइड में आ जाएगा 22 है, यहाँ पर 22 किया इंटू, यहाँ पर किया 2 × 2 = 4 कर दिया इंटू कर दिया 84, ठीक है। अब इसे कैंसिल करें, 7 से करेंगे, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 12 से करते हैं, 12 × 1 = 12 और 12 × 1 = 12 और 2 = 0, ठीक है। अब इसे हम लोग 11 से करते हैं, 11 × 1 = 11 और 11 × 2 = 0, अब किससे करते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख लो 1, 1, 2 और यहाँ पर 3 है, 1, 2, 3 डिवाइड में क्या, 4 × 2 = 8, यहाँ पर बचा 8, 8 से इसे कैंसिल करो तो कितना टाइम चला जाएगा, 1 × 5 और यहाँ पर आएगा 00, ये आ गया हमारे पास सेंटीमीटर, ठीक है। हमें मिल गया है हाइट, हाइट कितनी मिल गई है, 1 × 2 = 500, ये हमारे हाइट के बराबर था, इक्वल्स टू हमने हाइट यहाँ पे लिख दिया, हाइट हमें कितनी मिल गई है, 1 × 2 = 500 सेंटीमीटर। अब देखो हमें इसे किस में चेंज करना है, इसे सेंटीमीटर से अगर मीटर में आंसर आ रहा है, ठीक है, वैसे मीटर में ही आएगा, तो मीटर में लाने के लिए हम लोग लिखेंगे 1 × 5
डबल जीरो और डिवाइड में कर देंगे 100, क्योंकि ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से हमें मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड में डिवाइड करना पड़ता है, तो डिवाइड करेंगे तो 125 मीटर, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 30 हो गया, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो में कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, और इंस्टाग्राम में भी आप अपना मैसेज कर सकते हो, आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, क्लिक करो और हमारी इंस्टाग्राम आईडी में आ जाओगे। ठीक है, और एक काम करना है आपको, अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करो, और इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो, लाल बटन दबा के काला कर दो।